हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जो क्लास सिक्स से बिलोंग करता है। तो आइए हम लोग जो है सो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो देयर वाज ए जनरल डिस्कशन अमॉन्ग द चिल्ड्रेन इन पहेली एंड भूज क्लास अबाउट द प्लेसेज दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में जो है सो एक डिस्कशन हो रही है, जिसमें जो है सो वे लोग गर्मियों की छुट्टी में मनाने के लिए विभिन्न जगहों पर गए थे। Someone had gone to their native village by train। कुछ बच्चे जो है सो अपने जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ पर जो है सो गाँव में गए थे ट्रेन के द्वारा। देन ए बस एंड फाइनली ब्लॉक कार्ड। तो वे लोग पहले ट्रेन से गए, फिर बस से गए, फिर जो है सो वे बैलगाड़ी से अपने गाँव पहुँचे। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाई एन एरोप्लेन। एक बच्चा जो है सो एरोप्लेन के द्वारा जो है सो ट्रेवल किया। अनदर स्पेंट मैनी डेज टू हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। और कुछ बच्चे जो है सो उसमें से दूसरे बच्चे जो कि अपने अंकल के बोट से जो है सो जो कि उनके अंकल फिशिंग का काम करते थे, तो उनके साथ जो है सो बोट पर जो है सो वे ट्रैवलिंग किए। द टीचर देन आस्क देम टू रीड न्यूज पेपर आर्टिकल्स दैट मेंटेन अबाउट स्मॉल व्हील व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉयल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तो शिक्षक जो है सो टीचर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बहुत सारे जो है सो व्हील व्हीकल्स जो है सो दूसरे ग्रहों पर भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है सो चलाया गया। दीज व्हीकल्स वेयर टेकन बाई स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। और ये जो व्हीकल्स थे ये जो है सो स्पेस क्राफ्ट के द्वारा मार्स पर ले गया था और वहाँ पर उसको जो है सो मूव कराया गया था। Meanwhile, Paheli and been had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier times. तो Paheli जो है सो ने कुछ कहानियाँ पढ़ी प्राचीन भारत के बारे में, तो ये जानना चाहती है कि पहले के लोग जो है वह किस प्रकार जो है सो ट्रैवल करते थे। Story of transport. Long ago, people did not have any means of transport. आज से कई साल पहले, सालों साल पहले, उस समय जो है सो ट्रांसपोर्ट के यानी यातायात के कोई साधन नहीं थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वे लोग जो है सो पैदल चलते थे और अपने सामानों को कंधे पर लेकर चलते थे। लेटर ऑन द वे दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को अपना पालतू बनाया और वे काम जो है सो मतलब कि ट्रैवलिंग का काम जानवरों के माध्यम से करने लगे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। उसके अलावा यातायात का जो है सो जो मार्ग था वह जो है सो मतलब कि वाटर के द्वारा जो है वाटर के द्वारा बोट्स को जो है सो मूव कराया जाता था, यानी कि वाटर मार्ग को जो है सो ज़्यादा अपनाया जाता था। टू बिगिन विथ बोट्स वेयर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड्स इन विच हॉलो कैविटी वुड बी मैड। तो जो नाव होता था वह जो है सो मतलब कि लकड़ी के टुकड़े होते थे जो कि काफ़ी हल्के होते थे और पानी में तैरते थे। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ फूड एंड गेव शेप टू द बोट्स। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जो है सो क्या किया कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक नाव का आकार दिया। दीज शेप्स इमिटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स हैविंग इन वाटर। इसका जो आकार बनाया गया इस प्रकार से बनाया गया कि जैसा पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं तो उनके आकार की तरह बनाया गया, यानी कि मछलियों के आकार का जो है सो नाव का आकार उन्होंने दिया। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ द फिश इन चैप्टर 8 and 9। तो इसके बारे में जो है सो मछलियों के आकार वगैरह के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में 8 और 9 में काफ़ी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब पहिए का आविष्कार हुआ तो यह जो है सो यातायात के का एक बहुत बड़ा जो है सो बदलाव देखने को मिला।
द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और इसको जो है सो डिज़ाइन करने में हजारों साल के समय लग गए। एनिमल्स वेयर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। उसके बाद लोगों ने जो है सो पहिए का उपयोग कर जो है सो गाड़ियाँ बनाई, और गाड़ियों को जो है सो जानवरों से वे खिंचवाने लगे। अनटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपुल स्टिल डिपेंड ऑन द एनिमल्स बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो 19वीं शताब्दी में लोग जो है सो पूरी तरह से जानवरों पर, नावों पर और शिप टू ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाज़ों पर जो है सो पूरी तरह से निर्भर थे, और वे एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रैवलिंग करते थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, जो कि ट्रांसपोर्ट जो यातायात के जो हमारे साधन थे उसमें एक बहुत बड़ा जो है सो बदलाव देखने को मिला। रेल रोड्स वेयर मेड ऑफ स्टीम इंजन ड्राइविंग कैरियर्स टू द वेगन्स, है ना। तो ये जो रेल रोड्स था ये जो है सो मतलब कि भाप वाष्प के इंजन के द्वारा खींचा जाता था, और इसमें जो है सो काफ़ी जो है सो मतलब कि इसका उपयोग यानी कि यातायात में देखने को मिला। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर्स कार्स ट्रक्स एंड बसेज। उसके बाद जो है सो धीरे धीरे इसमें ऑटोमोबाइल्स, उसके अलावा मोटर गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेज, इन सब का भी जो है सो मतलब आविष्कार होने लगा और हुए। मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वेयर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। उसके बाद जो जल में जो यातायात के जो साधन थे उसमें भी जो है सो बहुत सारे नए जो है सो मोटराइज बोट्स, जहाज, इन सब का जो है सो इन्वेंशन हुआ। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एन एरोप्लेन। 19वीं शताब्दी में हमने हवाई जहाज का जो है सो आविष्कार को भी देखा। दीज वेयर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरियज पैसेंजर एंड गुड्स। उसके बाद इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, और इससे जो है सो मतलब कि लोगों को, पैसेंजरों को भी जो है सो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करने लगे, सामानों को भी ढोने का काम करने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूट्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में हमने उससे भी और तेज चलने वाले जो मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उसको जो है सो मतलब कि इन्वेंशन हुआ, जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, ये सभी जो है सो 20वीं शताब्दी में जो है सो हमें हम लोगों ने आविष्कार किया। तो फिगर सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। 10.1 में कुछ ट्रांसपोर्ट को दिए गए हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, जिसमें से आपको जो है इसको अरेंज करना है, जो पहले के ट्रांसपोर्ट थे और आज के जो ट्रांसपोर्ट है उसको एक अरेंज वे में अरेंज करना है। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट डू नॉट यूज टूडे। क्या ऐसे भी किसी ट्रांसपोर्ट के बारे में आप जानते हैं जिसका उपयोग पहले होता था और आज जो है सो हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये आपका जो डेस्क है वह कितना चौड़ा है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, लोग जो है सो इस बात को कैसे जान पाते हैं कि हमने जो है सो कितना ट्रैवल किया। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक एंड दे टू आवर स्कूल, और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच आवर स्कूल। आप ये कैसे जान पाते हैं कि हमारा स्कूल जो है सो घर से कितना दूर है। वेन यू नीड टू परचेजिंग समथिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, जब आपको कोई सामान खरीदना होता है तो निश्चित रूप से आपको जो है सो बाजार जाना पड़ता है। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑफ्टन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो हम जो है सो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि किसी भी स्थान से का हम कैसे आइडिया लगाए कि हमारा जो है सो घर से बाजार की दूरी कितनी है, हमारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है। वॉक टेक ए बस और ट्रेन, ए शिप एंड एरोप्लेन ओवर एन स्पेस क्राफ्ट। तो हम लोग जो है सो किसी स्थान पर यात्रा करने के लिए अगर कम दूरी का है तो बस या रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा दूर है तो ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और वाइथ वी नीड टू नो, कभी कभी जो है सो हमें जो है सो किसी चीज़ की, जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी लंबाई को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।
इन पहली भुजु क्लासरूम देयर ए लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई टू स्टूडेंट। एक बड़ा सा डेस्क है जिसको दो बच्चे जो है सो शेयर करते हैं, दो बच्चे उस पर बैठते हैं। पहली एंड वुज वेयर शेयर्ड ऑन वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली इन इंड ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। लेकिन ऐसा उन लोगों का माना जाता है कि एक बच्चा जो है वह ज़्यादा डेस्क के जगह का इस्तेमाल कर रहा है। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क एंड मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट, ड्रॉ लाइन इज सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क। तो टीचर ने जो है सो ये डिसाइड किया कि आप लोग उसके लेंथ को मेजरमेंट कीजिए और उसको जो है सो हाफ कीजिए, आधा आधा बांट दीजिए, है ना, और फिर दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बोथ पहली एंड भुजू वेयर फॉन्ड ए प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। पहली और भुज जो है सो ये दोनों जो है सो अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। भुज ब्राउट ए सेट ऑफ द गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली। तो वे लोग जो है सो डंडा और गिल्ली से कैसे जो है डेस्क का मेजरमेंट कर पाएंगे। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू द टू डंडा लेंथ एंड द टू लेंथ ऑफ द गिल्ली। तो डेस्क को जब मेजरमेंट किया गया तो ये पाया गया कि दो डंडा लेंथ जो है सो दो डंडा से दो बार और दो बार गिल्ली से उसकी लंबाई हुई। ड्रॉइंग ए लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू द डंडा एंड ए गिल्ली इन लेंथ। उसके बाद फिर उसका आधा कर दिया गया तो आधा कर और दोनों जो है सो खुश हो गए कि हमने जो है सो आधा आधा जो है सो जगह को जो है सो इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। कुछ दिनों के बाद जो है सो क्या हुआ कि जो चिन्ह लगाया गया था डेस्कों के बीच में वह जो है सो मिट गया। भुजू नाउ हैज ए न्यू सेट ए गिल्ली एंड डंडा हैज ए लॉस्ट हिज ओल्ड वन। क्योंकि अब जो है सो अब भुजू के पास जो है जो पुराना जिस डंडे गुल्ली और डंडे से जिसको मेजरमेंट किया था वह उसके पास गुम हो गया था, खो गया था। अब वह नए डंडे और गिल्ली का इस्तेमाल कर रहा था। हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ए गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट टू डंडा लेंथ। तो जब नए डंडे से उसने मेजरमेंट किया तो दो डंडा पाया। वन गिल्ली लेंथ विथ ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। और उसमें से एक गिल्ली जो है सो दो डंडे और एक गिल्ली हुआ, एक गिल्ली जो है सो उसमें के लेंथ में जो है सो कम हो गया। दिस इज लेस देन वन गिल्ली लेंथ नाउ व्हाट। अब ये जो है सो कैसे कम हो गया। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहली एंड वुड यू डू द मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। तो आप कैसे जो है सो डेस्क को जो है सो मेजरमेंट कर पाएंगे। कैन यू दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड बॉल्स टू द मेजर द लेंथ और डू यू थिंक दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। तो क्या यदि हम जो है सो इसके जगह पर बैट का या क्रिकेट के विकेट का जो है सो इस्तेमाल करें तो क्या इसी तरह का प्रॉब्लम वहाँ आ सकता है। वन थिंग दे कुड डू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मार्क टू पॉइंट्स ऑन इट। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, दे कैन मेजर द वाइड ऑफ द डेस्क इन द स्ट्रिंग लेंथ। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग मेजर डिस्टेंस दैन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग मार्क इट वन बाई टू वन बाई फोर एंड वन बाई एट स्ट्रिंग लेंथ। देन परहाप्स पहली एंड भुजू कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। तो डंडे से क्या होगा कि उसका जो है सो लंबाई जो है सो जो पुराने वाले था उसका छोटा रहा होगा, नए वाले जो है सो डंडे और गिल्ली का लंबाई बड़ा रहा होगा, जिसके कारण ये जो है सो मेजरमेंट में डिफर आया। तो इसको अगर सही तरीके से अगर मेजरमेंट करना हो तो एक धागा ले लेंगे, धागे से उसकी लंबाई को मेजरमेंट कर लेंगे और फिर उस धागे को हाफ कर या 1/8 या 1/2 या 1/4 जितना भी हम करना चाहें उस उतना पार्ट में डिवाइड कर उसको हम सही मेजरमेंट कर पाएंगे। यू वुड से दैट शुड बी यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सोल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स। या आप चाहें तो जो है सो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो छोटे स्केल हैं उसकी भी सहायता लेकर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। भुजू हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल टू मेजर डिस्टेंस। तो अब जो है सो उसी तरीका अपना कर जो है सो वह
जिस तरह से लोग जो है सो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का इस्तेमाल करते हैं और वे दोनों जो है सो उसको डिवाइड कर रहे हैं। बिफोर सच ए स्टैंडर्ड स्केल वेयर मेड एंड हैज बीन ट्राइंग टू द फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर हम लोग बहुत सारी दूरियों को जो है सो मेजरमेंट करते हैं। देर आर सो मेनी ओकेजन वेन वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। तो बहुत सारे मौके पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को जो है सो लंबाई और दूरी नापनी पड़ती है। द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच ए कुर्ता। यदि हम दर्जी के पास जाते हैं तो उससे जो है सो कुर्ता या कपड़े बनाने के लिए उसे भी जो है सो मतलब कि हमें लंबाई की जो है सो मेजरमेंट करनी पड़ती है। ए कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड वाइथ ऑफ द कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक द इट्स डोर। एक कारपेंटर बढ़ई जो होता है उसको भी जो है सो घर के दरवाजे वगैरह बनाने के लिए उसे जो है सो मेजरमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द एरिया ही इज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। एक किसान को भी जो है सो अपने खेतों की जो है सो मतलब कि लंबाई चौड़ाई की मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसे यह पता लग सके कि इसमें जो है सो कितना बीज हमें बोना पड़ेगा और इसको सिंचाई करने के लिए हमें कितने पानी की आवश्यकता होगी। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल आर यू। यदि मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे आप कितने लंबे हैं। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो तुम्हें जो है सो अपने सर से लेकर पांव तक की लंबाई मेजरमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, यह कमरा कितना बड़ा है। हाउ वाइड इज द डेस्क, आपका डेस्क कितना बड़ा लंबा है। हाउ फार इज द फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से जो है सो चंद्रमा की दूरी कितनी है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। इस सभी में जो है सो एक चीज़ जो है सो सामान्य है कि दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज। इन सभी में जो है सो दो स्थानों के बीच में दूरी का जो है सो मेजरमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। द टू प्लेसेज मे बी क्लोज इनफ लाइक टू इंड्स ऑफ ए टेबल और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। तो हम लोग जो है सो किसी भी दो टेबल के दोनों सिरों का या किसी भी दो दूरी के बीच पॉइंट के बीच की दूरी का हम लोग जो है सो मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी क्या है, इसको जो है सो हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है कि इसके बीच की दूरी कितनी है। लेट अस डू ए फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर द डिस्टेंस और लेंथ। तो हमें जो है सो मेजरमेंट करने के लिए एग्जैक्टली किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी जिससे जो है सो हम इन चीज़ों के बीच की दूरियों को हम आसानी से प्राप्त कर सकें। सम मेजरमेंट्स वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच यू डू दिस एक्टिविटी वन बाई वन यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। इसके लिए आप अपने जो है सो फुट यानी कि पाँव का इस्तेमाल कर अपने जो है सो लंबाई कमरे की लंबाई और चौड़ाई या क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दिज यू मे फाइंड सम पार्ट्स रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट स्मॉलर दैन योर फुट। तो आप देखेंगे कि जब इसके लंबाई और वो आप मेजरमेंट करेंगे तो हो सकता है कि यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज द स्मॉलर दैन योर फुट। तो कुछ जगह ऐसे बच जाएंगे जो कि आपके फुट से जो है सो छोटे होंगे। यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एंड इज यू डिड बिफोर। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन द टेबल। तो इसके लिए आपको जो है सो ज़रूरत होगी आप अपने जो है सो उसे थ्रेड से धागे से जो है सो इसका मेजरमेंट करने का कोशिश करें, उसे मेजरमेंट करें। मेजरिंग द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। आप जो है सो अपने क्लासरूम का जो है सो लेंथ और ब्रेथ जो है सो मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है सो किसको क्योंकि इसमें सभी के फुट के जो है सो अलग अलग हो सकते हैं। सभी का जो है सो किसी का भी जो है सो वह मैच नहीं करेगा। जैसे इसमें नेम ऑफ ए स्टूडेंट लिख दीजिए, वह उसके ने मेजरमेंट किया तो उसके लेंथ ऑफ क्लासरूम उसको कितना कितना फुट आया।
पैड से जो है सो नापा था कितना आया, वाइट उसका कितना आया, फिर दूसरे विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखिए जिसने वो मेजरमेंट किया, उसका जो है सो लेंथ ऑफ क्लासरूम कितना फुट आया और उसका ब्रेथ कितना आया। इस तरह से आप इस टेबल को तैयार कर सकते हैं। वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज ए यूनिट टू मेजर द वाइट ऑफ द टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। इसके जगह पर आप फुट के जगह पर जो है सो आप हैंड स्पैन यानी कि जो है सो बित्ता जिसको हम लोग हाथ कहते हैं इसको हैंड स्पैन कहते हैं, यानी टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ द लिटिल फिंगर है ना, इसको जो है सो हम लोग हैंड स्पैन कहते हैं। तो इससे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मार्क द मेजरमेंट रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो है सो इसमें भी आपको हो सकता है कि कुछ जगह ऐसे बचे जो आपके जो है सो हैंड स्पैन से छोटा हो, तो इसको आप थ्रेड से जो है सो यानी कि उसको हम जो है सो हैंड स्पैन को मेजरमेंट कर फिर उसको इक्वल फ्रैक्शन में डिवाइड कर हम जो है सो लेंथ को जो है सो एग्जैक्टली एक्यूरेट प्राप्त कर सकते हैं। तो वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वालिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट जो है सो अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी में कंपेरिजन किया जाए, यानी कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी में जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जान रहे हैं कि उसका डायमेंशन क्या है तो उसको जान लेना ही मेजरमेंट कहलाता है। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट, और उसके मेजरमेंट करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं वह यूनिट कहलाता है। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसे जो है सो एक्सप्रेस करने के लिए मेजरमेंट को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वन पार्ट इज ए नंबर, एक तो नंबर होना चाहिए कि संख्या कि कितना जो है सो हुआ, और द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा कि यह जो है सो किस जो जिस यूनिट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वह यूनिट हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन एक्टिविटी वन द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड 12 लेंथ ऑफ द योर फुट एंड देन, तो मान लीजिए कि जैसे कि आपने क्लासरूम को मेजरमेंट किया तो उसमें 12 फुट है यानी कि 12 पाँव है, तो इसका मतलब हुआ देन 12 इज द नंबर एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि 12 तो उसमें नंबर इस्तेमाल हुआ, और दूसरा आपने जो मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट जो चुना वो आपका फुट हो गया। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन द टेबल 10.1 आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडी फुट आर इक्वल। तो आप उसमें देखेंगे टेबल में सभी लड़कों ने अपने अपने पाँव का इस्तेमाल किया था उसको मेजरमेंट करने के लिए, तो क्या सभी का जो है सो इक्वल ही आया। आर एवरी बडीज मेजरमेंट बाई हैंड स्पैन ऑफ द वाइट ऑफ द टेबल इज इक्वल। क्या सभी के हैंड स्पैन से के द्वारा भी जो टेबल का मेजरमेंट किया गया था वह सभी इक्वल ही है। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि सभी का जो है सो इक्वल नहीं है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। तो उसी तरह से पाँव का भी जो है सो पाँव के द्वारा जो मेजरमेंट किया गया उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ फुट एज ए यूनिट्स ऑफ द अदर। इसी तरह से आप किसी दूसरे यूनिट का भी इस्तेमाल कर आप इसको मेजरमेंट कर एक टेबल जो है सो बनाकर कंपेयर कर सकते हैं। They will not be able to understand how big the actual length of is useless to the unless they know to the length of your hand span or foot। तो हम इसे जो है सो एक्चुअल लेंथ कैसे समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि इसका एग्जैक्ट लेंथ क्या है। तो यहाँ पर हम लोग हाथ और पाँव या फुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड स्पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के सभी व्यक्तियों का हर पर्सन का बॉडी का जो पार्ट होता है उसका लेंथ जो है सो अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति के हाथ छोटे हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का हाथ बड़ा हो सकता है, किसी का फुट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मेजरमेंट में वेरिएशन होना स्वाभाविक है। तो ये हमारा एक्चुअल जो है सो मेजरमेंट नहीं हो पाया। वी सी देयरफॉर दैट द सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमें ऐसे यूनिट की आवश्यकता पड़ती है जो कि पर्सन टू पर्सन जो है सो वह चेंज नहीं हो।
स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन एशियन टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट, द वाइथ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप यू आर कॉमनली यूज एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पुराने समय में जो है सो पुराने प्राचीन समय में लेंथ को जो है सो फुट से या चौड़ाई को जो है सो फिंगर से, डिस्टेंस को स्टेप से मेजरमेंट किया जाता था। द पीपुल ऑफ द इंडियन वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज टू वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बिकॉज वी एविडेंस द एक्सप्रेशन ऑफ द परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे लोग जो है सो लेंथ को मेजरमेंट करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि हमने खुदाई के दरमियान बहुत सारे हमें ऐसे प्रमाण मिले जिसमें जो है सो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का जो है सो काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया था। ए क्यूबिट एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड टू द एंशियंट इजिप्ट एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट टू लेंथ ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यूबिट जो था, जो कि टिप ऑफ द एल्बो एंड मिडिल फिंगर, तो इससे जो है सो इसका जो है सो इस्तेमाल वे लोग करते थे, और जिसको विश्व के सब बहुत सारे भागों में जो है सो इसको जो है सो इसका इस्तेमाल लोग करते थे। ये एक अच्छा जो है सो यूनिट माना जाता था। पीपुल ऑल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ द लेंथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा पाँव का भी इस्तेमाल जो है सो मेजरमेंट करने के लिए विश्व के बहुत सारे भागों में इसका लोग इस्तेमाल करते थे। द लेंथ ऑफ द फुट यूज टू वेरी स्लाइटली फ्रॉम द रीजन टू रीजन। लेकिन इसमें जो है सो क्या होता था कि पर्सन टू पर्सन या रीजन टू रीजन जो है सो कुछ ना कुछ जो है सो इसमें चेंज हो जाते थे, वेरी कर जाता था। पीपुल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाई द डिस्टेंस बिटवीन द इन टू द आउट स्ट्रेचेड आर्म एंड देयर चिन। उसके बाद कुछ लोग जो है सो बाद में फिर जो है सो मतलब कि यार्ड का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें आर्म और चिन के बीच की दूरी को जो है सो को मेजरमेंट में लिया जाता था। द रोमन्स मेजर्ड विथ देयर प्लेस और स्टेप्स। रोमन्स जो है सो मतलब कि पेस और यानी कि स्टेप का जो है सो इस्तेमाल करते थे, यानी कि दो पाँव के बीच की दूरी का। इन एंशियंट इंडियन स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वेयर अंगुल, यानी कि फिंगर और मुट्ठी। और प्राचीन समय भारत में जो है सो लोग जो है सो छोटे छोटे दूरियों को मेजरमेंट करने के लिए अंगुली का या मुट्ठी का इस्तेमाल करते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द गार्लैंड्स इन मेनी टाउन्स इन इंडिया। आज भी जो है सो मतलब कि जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वह अपना जो है सो फोर आर्म का जो है सो इस्तेमाल करते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज इन द यूनिट ऑफ लेंथ वेन द कन्वीनियंट। तो आज से नहीं मतलब कि प्राचीन समय से यह देखा जा रहा है कि बहुत तरह के सारे लोग जो है सो मेजरमेंट करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाउ एवर एवरी वन पीपल्स बॉडी पार्ट विल बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। तो लेकिन सभी लोगों का जो है सो पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग होता है, क्योंकि सभी लोगों के बॉडी पार्ट्स की लंबाई जो होती है वह एक जैसी नहीं होती है। हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। इसके कारण से जो है सो इसमें काफ़ी जो है सो हमें मतलब कि दिक्कतें होती है, काफ़ी जो है सो कन्फ्यूजन हो जाता है। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच ने जो है सो एक स्टैंडर्ड यूनिट को जो है सो निकाला, जिसको मैट्रिक सिस्टम का नाम दिया गया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्म साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजरमेंट। और इसको जो है सो ये सभी एक जैसे समान थे और सब पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने जो है सो इसे स्वीकारा। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज टू एज ए द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय यूनिट सिस्टम के नाम से जो है सो जाना जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर, और लंबाई का जो है सो एसआई यूनिट मीटर कहलाता है। ए मीटर स्केल इज शो इन द फिगर ऑल्सो शो द इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। मीटर से स्केल जो है सो आपको 10.6 फिगर में दिखाया गया है। इसके अलावा जो है सो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का मीटर स्केल आपके मौजूद रहता है, जिसका आप इस्तेमाल जो है सो बहुत सारे मतलब कि वर्क में करते हैं। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। हर मीटर को जो है सो 100 जो है सो छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया हुआ रहता है, कॉल्ड सेंटीमीटर, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। ईच सेंटीमीटर हैड बीन 10 इक्वल डिवीजन, हर सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिवीजन किया गया रहता है, कॉल्ड द मिलीमीटर, जिसे मिलीमीटर कहा जाता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट। लंबी दूरी को नापने के लिए मीटर जो है सो
सही यूनिट नहीं होता है। वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि हमें जो है सो बड़े यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर, जिसे हम लोग किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहा जाता है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल और मेजर इन SI यूनिट्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी जो है सो SI यूनिट को जो है सो किसी भी दूरी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग रिपीट करते जाते हैं। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। तो आज अब पहले से हम लोग आज जो है सो बहुत अच्छे जो है सो मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का तरीका हम जान चुके हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेज। आजकल अब जो है सो हम लोग प्रतिदिन जो है सो कुछ ना कुछ हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके लिए जो है सो हमें बहुत सारे डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ए मेट्रिक मीटर स्केल, हम लोग मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए ए टेलर यूज ए टेप, एक जो है सो दर्जी जो है सो टेप का इस्तेमाल कर। वे द क्लॉथ मर्चेंट यूज ए मीटर रड, उसके बाद जो है सो कपड़े का दुकानदार जो होता है वो मीटर रड का इस्तेमाल करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एन ऑब्जेक्ट, है ना, कपड़े की लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए जो है सो वो मीटर का इस्तेमाल करता है। यू मस्ट चूज ए सूटेबल डिवाइस, तो इसके लिए हम लोग जो है सो सभी काम के लिए अलग अलग एक सूटेबल डिवाइस का प्रयोग करते हैं। यू कैन नॉट मेजर द ग्रीथ ऑफ द ट्री और साइज फॉर योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल, लेकिन मीटर स्केल के द्वारा हम लोग किसी भी पेड़ की मोटाई को मेजरमेंट नहीं कर सकते या अपने चेस्ट का मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सूटेबल फॉर दिस, इसके लिए मेजरिंग टेप जो होता है वह जो है सो ज़्यादा उपयुक्त होता है क्योंकि वह फोल्ड हो जाता है। फॉर ए स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ द योर पेंसिल यू कैन यूज 15 सेंटीमीटर स्केल फॉर योर ज्योमेट्री बॉक्स, और यदि तुम्हें जो है सो अपने पेंसिल की जो है सो लंबाई को मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए आपके पास ज्योमेट्री सेट बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है उससे आप आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको जो है सो मेजरमेंट करने के लिए कुछ जो है सो प्रिकॉशन रखने होते हैं, कुछ सावधानी रखना पड़ता है, कुछ सही तरीका अपनाना पड़ता है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द सो, जहाँ से हमें मेजरमेंट करना है वहाँ से जो है सो हमें स्केल को कॉन्टेक्ट रखना चाहिए, दोनों को काफ़ी जो है सो पास रखना चाहिए। इन सम स्केल द एंड्स में बी ब्रोकन, कुछ स्केल के जो है सो अंतिम सिरा टूटे हुए रहते हैं, तो यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, इन सच केसेज यू शुड अवॉइड। तो ऐसे जिस स्केल के किनारे जो है सो टूटे हुए रहते हैं तो उन्हें जो है सो हमें जो अंतिम सिरा जो जीरो है उसको अवॉइड कर देना चाहिए। टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल यू कैन ऑल्सो यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, तो उसे छोड़कर जो भी दूसरा नंबर है उसको लेकर जो है सो हमें मेजरमेंट करना चाहिए। से 1, है ना, देन यू मस्ट सबट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ द मास दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर इंड, और फिर उससे जो है सो हमें जो हमारा मेजरमेंट आता उसमें से उसको जो है सो सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम 1 से मेजरमेंट करते हैं तो अगर 5 आता है तो उसमें से 1 घटाकर हमें उसे उसका सही एग्जैक्ट मेजरमेंट 4 होगा, है ना, अगर हम 1 से मेजरमेंट करते हैं तो। चलिए फॉर एग्जांपल ये उसी तरह से जो दिया हुआ है, जैसा कि हमने बताया कि अगर हम 0 से 0 को लेकर जो है सो अगर नहीं करते हैं मेजरमेंट, अगर आगे से करते हैं तो हमें जितना आगे से करते हैं उतना हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद हमें जो है सो किसी भी मेजरमेंट को जो है सो अगर हम उसका सही पोजीशन जानना चाहते हैं तो हमें जो है सो आई साइट को जो है बिल्कुल जो है सो हमें एग्जैक्टली इन फ्रंट में रखना चाहिए, है ना। यानी किसी भी मेजरमेंट के सही तरीका, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ए बी सी और 3 बच्चे जो है सो एग्जैक्ट पोजीशन को देख रहे हैं, तो ए जो है सो तिरछा देख रहा है, सी भी तिरछा देख रहा है, तो यह जो है सो सही मेजरमेंट देखने का तरीका नहीं है। इससे क्या है कि आपका जो सही मेजरमेंट है उसमें जो है सो डिफर हो सकता है। सही तरीका है जो बी लड़का जो एग्जैक्ट देख रहा है, सीधा देख रहा है, ये जो है सो सही तरीका है मेजरमेंट देखने का। यह एक प्रॉपर पोजीशन है अपने आँख को जो है सो रीडिंग स्केल को जो है सो नोट करने का। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड स्टैंड अगेंस्ट ऑफ विथ ए वाल, मार्क और द वाल एग्जैक्टली अबव द हिज हैंड
हेड नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर एट टू मार्क ऑफ द वॉल विद योर हैंड स्केल देन विथ ए मीटर स्केल। अब हम क्या करते हैं कि क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सभी की जो है सो लंबाई अगर मापनी है तो हम दीवार के सहारे उसको जो है सो खड़ा कर देते हैं दीवार में सटाकर, और फिर उसके जो हेड है वहाँ पर हम चिन्हित कर लेते हैं, फिर उसको हैंड स्केल से मेजरमेंट करते हैं, फिर मीटर स्केल से भी मेजरमेंट करते हैं। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ एंड सिमिलर वे रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन। इस तरह से सभी लड़कों को ये बात कही जाए कि सभी लड़के जो है सो इसी तरह से मेजर सभी लड़कियों का बारी बारी से मेजरमेंट कर अपना अपना जो है सो एक टेबल तैयार करें, जैसे कि हु मेजर द लेंथ, मेजर द हाइट, कौन जो है सो मेजर कर रहा है तो उसका नाम होना चाहिए, है ना। हाइट इन हैंड स्पैन, उसको दीवार पे चिन्ह लगाने के बाद उसको हैंड स्पैन से पहले नापेंगे, फिर जो है सो उसके बाद जो है सो हम सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। तो आप जब रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें सभी का जो है सो अलग अलग तरीके से आएगा। द रिजल्ट इन द कॉलम टू मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है सो हैंड स्पैन्स का जो रिजल्ट जो है सो आपका जो है सो इसमें अलग अलग आएगा, लेकिन जो मीटर स्केल से मेजरमेंट किया गया उस सबका जो है सो लगभग जो है सबका जो है सो सेम आएगा। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम थ्री वेयर द मेजर्स आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। तो इसमें जो है सो सेम आने का कारण क्या है कि इसमें जो है सो स्टैंडर्ड स्केल का इस्तेमाल किया गया है। द रिजल्ट्स मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, इसलिए सभी का जो है सो रिजल्ट लगभग सेम रहता है। बट देयर आर दे एग्जैक्टली इक्वल, इफ नॉट दे वुड यू थिंक देयर इज डिफरेंस, आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड डू नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन। तो स्केल तो सभी ने एक ही इस्तेमाल किया लेकिन हैंड स्पैन जो था वह जो है सो सबका अलग अलग था। दिस कुड बी गो स्मॉल इरर्स इज टेकिंग ऑब्जर्वेशन इन हायर क्लासेज यू विल लर्न द इम्पोर्टेंसी ऑफ द नोइंग द हैंडलिंग ऑफ द सच इरर्स। इस तरह की गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे इसके लिए आप जो है सो आगे क्लास में पढ़ेंगे। मेजरिंग द लर्न लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। अब हम लोग टेढ़े मेढ़े लाइन को कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये तो हमने सीधा अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सीधे लेंथ है उसको मेजरमेंट हम लोग आसानी से कर लिए। अब यदि जो है सो कर्व लाइन हो तो उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व डायरेक्टली बाई ए यूजिंग मीटर स्केल। टेढ़े मेढ़े लाइन को हम जो है सो मीटर स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह फोल्ड नहीं हो पाता है। वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, इसके लिए हम लोग धागे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आइए अब एक्टिविटी को देखते हैं। यूज ए थ्रेड ऑफ मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी, पुट ए नट ऑन द थ्रेड नियर द इट्स एंड, प्लेस द नट ऑफ द पॉइंट ए, प्लेस ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन कीपिंग इट्स नट यूजिंग योर फिंगर्स थंब, होल्ड द थ्रेड ऑफ द एंड ऑफ द पॉइंट विथ वन हैंड यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच द लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड टू द कर्व लाइन। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें जो है जो कर्व लाइन है इसके लिए एक धागा लेते हैं, धागे के एक सिरे पर एक नट गांठ बना देते हैं, गांठ को जो है सो इस सिरे पर रखते हैं, फिर यहाँ से जो है सो धागे को जो है सो जैसे जैसे जो है सो लाइन है उसके ऊपर जो है सो कवर करते हुए उसको जो है सो मतलब उसी लाइन के हिसाब से उसको जो है सो मतलब उसके साथ साथ जो है सो कवर करते हुए आगे की ओर जाते हैं, फिर जहाँ पर लाइन इंड करता है वहाँ पर धागे का एक नट बना देते हैं, फिर जो है सो क्या करते हैं कि धागे को जो है सो सीधा स्ट्रेच कर और एक नट से दोनों नट के बीच की दूरी को जो है सो मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग कर्व लाइन को जो है सो मेजरमेंट कर लेते हैं। ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल अदर इंड कर्व द रीचेज, मार्क द थ्रेड वेयर इट टचेज इन बी, नाउ स्ट्रेच द स्केल, मेजर लेंथ बिटवीन द नॉट ऑफ द बिगनिंग एंड मार्क द थ्रेड, है ना। दिस गिव द लेंथ कर्व लाइन ए बी, वी सी दैट द नीड ए लॉट ऑफ केयर ऑफ द इंश्योर दैट यू मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली एंड वी नीड टू सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द डिवाइसेज विच मेजर द डिस्टेंस एंड कन्वे टू द रिजल्ट अदर्स। तो इस तरह से हम लोग को जो है सो बहुत सावधानी से जो है सो इस काम को करना पड़ता है। एक्टिविटी है, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिसन द टेबल, दिस आर मेनी इंक्लूड स्कूल बैग, मॉस्किटो टेबल, पीपल सिटिंग पोजिशन, चेयर मूविंग अबाउट इट, दिस लिस्ट में बी ऑल्सो हैव ए बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड्स, स्मॉल बेबी, फिश, वाटर, ए हाउस, फैक्ट्री, पीस ऑफ स्टोन, हॉर्स बॉल, बैट, मूविंग स्टैंड, स्विंग मशीन, ए वॉल क्लॉक, हैंड्स एंड ए क्लॉक ऑफ मेक योर लिस्ट लार्ज ऑफ इक्विन, विच दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट।
तो इसमें करना क्या है कि आपको जो है सो एक लिस्ट बनाना है, जो अपने आसपास जिन वस्तुओं को देख रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाइए जिसमें ये सारे जो है सो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, और इसमें से आप देखिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सो मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एक टेबल बनाकर उसमें जो है सो इसको लिस्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सो रेस्ट पोजिशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सो मोशन में है। How did you decide whether an object is in motion or rest? तो आप ये कैसे decide करेंगे कि कौन सा object जो है सो rest में है और कौन सा object motion कर रहा है? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time. तो आप देखेंगे कि bird जो है सो एक समय में जो है सो एक जगह पर थी, लेकिन फिर अगले ही समय में वह किसी और जगह पर चली गई। While the table is at the same place on this basis, लेकिन अगर इस तरह हम टेबल को देखें तो टेबल एक घंटा पहले भी वहीं पर था और अभी भी वहीं पर है ना, यानी कि पिछले जिस समय हमने देखा हुआ उसी जगह पर था, अब भी देखना है तो उसी जगह पर है, लेकिन बर्ड जो है सो पिछले कुछ समय पहले हमने देखा हुआ कहीं और था, अब जो है सो कुछ और है। यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जिसका पोजिशन चेंज हो गया तो वह जो है सो मोशन में हो गया, और जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ वह रेस्ट में है। लेट अस लुक द मोशन एंड आंट क्लोजली। उसकी तरह से आप चिट्ठी को भी जो है सो ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है सो समझ मोशन के बारे में जो है सो समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स, स्प्रेड ए लार्ज शीट ऑफ द वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप द लिटिल शुगर ऑन इट। चलिए देखिए, ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में करना क्या है कि आप एक चिट्ठी को ले लीजिए है ना, और चीनी के कुछ दाने को जो है सो पेपर पे डाल दीजिए, खुद ब खुद चिट्टियाँ बहुत सारी आ जाती है। आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड विल बी फाइंड मेनी एंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर सून। तो आज चिट्टियाँ पर जो पेपर पर जो चिट्टियाँ रेग रही है, फॉर एनी वन आंट ट्राई टू मेक स्मॉल मार्क विथ ए पेंसिल नियर दिस पोजिशन वेन इट हैव जस्ट क्रॉवल्ड टू द शीट ऑफ द पेपर। Keep marking to the position after a few seconds, moves along on the sheet of the paper. After some time, shake a paper free and sugar and the ants. Connect the different points you have marked with arrow, thus show the direction of the with the ant was. है ना, तो देखिए कहने का मतलब यह है कि आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में, कि एक जो है सो पेपर लेना है, पेपर पर जो है सो कुछ चीनी के दाने रख देना है, उस पर से चिट्ठी जो है सो आ जाएगी। तो चिट्ठी को ऑब्जर्व करना है कि चिट्ठी को जो है सो जिस पोजिशन पर वहाँ पर पेंसिल से आप पॉइंट बना दीजिए, फिर कुछ देर के बाद देखेंगे चिट्ठी किसी दूसरी जगह पर मूव करके चली गई, वहाँ भी पॉइंट बना दीजिए, फिर कुछ देर के बाद देखेंगे कि किसी दूसरी जगह पर चली गई, फिर वहाँ पॉइंट बना दीजिए। ऐसे करके चिट्ठी जहाँ जहाँ मूव कर रही है तो कुछ कुछ देर के पर जो है सो उसका पॉइंट पोजिशन के जगह पर जहाँ पर पोजिशन है वहाँ पर आप पेंसिल से पॉइंट बना दीजिए। उसके बाद पेपर से जो है सो चिट्ठी और शुगर सबको हटा दीजिए, साफ कर दीजिए, और जो जो पॉइंट आपने पेंसिल से मार्क किए उन सभी को जो है सो आप एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चिट्ठी जो है सो किस तरह से जो है सो मूवमेंट कर रही है, किस तरह से उसका मोशन हो रहा है ना, यानी कि वह जो है सो हर समय में उसका पोजिशन जो है सो आप देखेंगे चेंज हो रहा है। Each point you have marked, so they were aren't moved to in the intervals of few seconds. Motion seems to be some kind of the change all position of the an object with the time is not. है ना, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मोशन क्या होता है, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है सो पोजिशन समय के साथ उसमें चेंजेज आते हैं तो वह मोशन कहलाता है। इन एक्टिविटी 5, वेयर डू यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, सीविंग मशीन, एन इलेक्ट्रिक फैन, इवन ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको जो है एक्टिविटी 5 में जो आपने लिस्ट बनाया रखा है उसमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक फैन है ना, ये सभी जो है सो मोशन करते हैं। आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो। डू यू नोटिस मूवमेंट एनी देयर पार्ट्स? द ब्लेड्स ऑफ फैन, ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, हाउ दे मूविंग, इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एंट और ट्रेन? लेट अस नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ द मोशन, हेल्प अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। तो आप जो है सो इसमें देखेंगे कि क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि चिट्ठी का जो है सो मोशन करना, पंखे का मोशन करना, घड़ी का मोशन करना, क्या सभी जो है सो एक ही तरह मोशन करते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड द मोशन ऑफ ए व्हीकल्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो आपने जो है सो गाड़ियों को जो है सो सड़क पर चलते हुए देखा होगा। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इज प्रेड फॉर द फॉलिंग ऑफ स्टोन है ना, उसी तरह से
जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को आपके स्कूल में परेड होता है तो उसमें मार्च पास्ट होता है, वो अभी जो है सो उसका भी मोशन आपने देखा होगा, या जब आसमान में छत से कोई पत्थर वगैरह आप फेंकते हैं तो वह नीचे जब गिरता है तो उसका भी मोशन आपने देखा, वह सभी जो है सो पोजिशन चेंज कर रहे हैं। वाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस तरह के मोशन है? स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर का दौड़ होता है तो उसमें जो है सो बच्चे कैसे दौड़ते हैं? ऑल्सो हैव ए लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक, बिल्कुल सीधा ट्रैक बना होता है। कैन यू थिंक ऑफ द मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आस पास आप चारों देख रहे हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, जितने भी एग्जाम्पल हम लोग देखें कि जैसे कि पत्थर का ऊपर से गिरना या 100 मीटर का रेस या बच्चों का जो है सो मार्च परेड वगैरह, तो ये सभी जो है सो मतलब कि ये दिखाते हैं कि सभी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेटिलिनियर मोशन, इस तरह के जो मोशन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं उसको रेटिलिनियर मोशन कहते हैं। अब एक्टिविटी से मतलब कि टेक ए स्टोन टाइट टू थ्रेड एंड रील विथ योर हैंड, अब एक पत्थर को लेना है, पत्थर को धागे से बांध देना है, बांध कर उसे जो है सो घुमाना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो आप जब उसे घुमाएंगे तो देखेंगे कि यह जो पत्थर है वह जो है सो एक सर्कुलर वृत्ताकार जो है सो पाथ पर मूव कर रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, और पत्थर का डिस्टेंस जो है वह आपके हाथ के दूरी से जो है सो बिल्कुल एक ही समान रह रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इस तरह के जो भी जैसे कि पंखे का मोशन, उसके अलावा जो है सो घड़ी का मोशन, जो गोल गोल जो है सो घूमता है, वृत्ताकार पाथ पर घूमता है, सर्कुलर पाथ पर घूमता है, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाई द देम सेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फैन या क्लॉक का जो हैंड होता है, घड़ी का सुई जो होता है, वह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। बट दीज ब्लेड्स ऑफ द हैंड रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, इफ़ वी मार्क ए पॉइंट एनी वेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द ऑन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट, तो यदि आप घड़ी के जो सुई है, हैंड्स हैं, उसको आप किसी जगह पर चिन्हित कर दीजिए तो आप देखेंगे कि वह सुई जो है सो फिर मूव कर जो है सो उसी जगह पर आ रही है, या पंखे का जो है सो जो ब्लेड है उसको आप चिन्हित कर दे तो फिर आप देखेंगे कि वह जो है सो वहीं पर मूव कर आए, यानी कि दूरी जो है सो डिस्टेंस जो है वह सेम मेजरमेंट कर रही है, है ना। इन सम केसेज एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, तो हम देख रहे हैं कि कुछ केसेज में क्या हो रहा है कि यह जो है सो ऑब्जेक्ट जो है सो सेम टाइम में वह उसको बार बार रिपीट कर रही है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, तो इस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। टेक द स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग दैट यू यूज एक्टिविटी 7, होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, तो आप देखेंगे कि धागे को जिस तरह से हमने जो है सो पत्थर में बांध कर उसको घुमाया तो उसमें भी जो है सो डिस्टेंस जो था हमारे हैंड से स्टोन का वह सेम था। दिस इज ए पेंडुलम, इसको हम लोग पेंडुलम कहते हैं। पुल द स्टोन टू वन साइड ऑफ द अदर हैंड एंड लेट इट गो, नाउ द पेंडुलम इज इन द मोशन, तो जब इसको हम घुमाते हैं तो पेंडुलम जो है सो हमारा मोशन में आ जाता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो मोशन, ए चाइल्ड इज स्विंग स्ट्रिंग ए गिटार ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम्स एंड बींग प्लेड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, वेयर एन ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ रिपीटेड मोशन आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम धागे को पत्थर को धागे में बांध दिए और धागे का एक सिरा पकड़ लिए, फिर पत्थर को जो है सो एक हाथ दूसरे हाथ से जो है सो कुछ ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ते हैं तो धागा जो है पत्थर जो है सो वह आगे पीछे जो है सो मूव करने लगता है, तो इस तरह के इसको हम लोग पेंडुलम कहते हैं।
उसी तरह से जैसे कि कोई ट्री है, पेड़ है, पेड़ का जो ब्रांच होता है, डाली जो होता है, वह जो है सो वह ऊपर नीचे जो है सो मूव करता है, तो वह भी पेंडुलम हो गया। बच्चे झूला झूलते हैं, वह भी जो है सो क्या होता है कि एक पोजीशन के आगे पीछे जो है सो मूव करते रहते हैं। तो ये सभी जो है सो जो बार बार रिपीट करते रहता है सेम डिस्टेंस को जो है सो मोशन में, तो वह जो है सो हमारा मतलब कि पीरियोडिक मोशन कहलाता है, जो कि टाइम इंटरवल भी उसका सेम होता है। Did you observe a sewing machine as a part of activity 5? You must have observed the remains the same location while wheels move with the circular motion. आपने सिलाई मशीन देखा होगा, तो सिलाई मशीन में क्या होता है कि आप उसको जो है सो उसमें जो व्हील होता है वह सर्कुलर मोशन में पाथ करता है। इट्स ऑल्सो हैज़ ए नीडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। तो उसमें जो है सो एक सुई जो होता है वह ऊपर नीचे मूव करता है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स इज़ नॉट दिस नीडल्स अंडरगो द पीरियोडिक मोशन। तो इसमें जैसे जैसे जो है सो मतलब कि आप देख रहे हैं कि उसका व्हील जो पहिया है वह सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका नीडल जो है एक डिफिनिट टाइम में जो है सो वह ऊपर नीचे जो है सो मोशन कर रहा है, तो यह जो है सो पीरियोडिक मोशन हो गया। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ द बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड। आपने जो है सो बॉल को जो है सो ग्राउंड पर लुढ़कते हुए देखा होगा। हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। तो वह जो है सो मतलब कि जमीन पर जो है सो आगे की ओर लुढ़कते रहता है। दस द बॉल अंडर गोज ए रेटिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो वह जब बॉल जो है सो जब जमीन पर लुढ़कता है तो बॉल जो है सो गोल गोल भी घूमता है, तो वह जो है सो उसका जो है सो रोटेटिंग मोशन हो गया, और वह आगे की तरफ भी बढ़ता है तो वह जो है सो सीधा आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वह रेटिलिनियर मोशन हो गया। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट अंडर गो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो इस तरह का और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि अर्थ का जो है सो अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमना, तो अर्थ जो है सो रोटेशन भी करता है, यानी कि अपने एक्सिस पर गोल गोल भी घूम रहा है, और वह अपने पाथ पर भी जो है सो आगे की ओर बढ़ता रहता है, यानी कि वह उसके जो है सो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है। तो ये जो है सो मतलब कि इसी तरह का बॉल की तरह का यह भी एक एग्जांपल है, जिसमें जो है सो हमें दोनों तरह के मोशन देखने को मिल रहे हैं। व्हेन डिड यू मेनी मेजरमेंट एक्टिविटी डिस्कस सम काइंड्स ऑफ मोशन वी सॉ दैट मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन क्या है, तो मोशन जो है सो जब किसी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज होता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू आउट द डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट। और यही पोजीशन का चेंज होना जो है सो जो डिस्टेंस कहलाता है, जिसको हम लोग जो है सो मेजरमेंट करते हैं कहते हैं। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट स्लो न्यू मोशन। तो इसमें जो है सो क्या है कि अब ऑब्जेक्ट जो है सो कितना तेज़ी से मोशन कर रहा है, या कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी धीरे मोशन करते हैं। द मोमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड ए बटरफ्लाई फिटिंग फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर ए रिवर इज फ्लोइंग एन एरोप्लेन फ्लाइंग। तो इसमें जो है सो मोशन हमने देखा कि कई तरह के होते हैं, कुछ मोशन जो है सो स्लो होता है, कुछ फास्ट होता है। जैसे कि ज़मीन पर जो स्नेल होते हैं वे चलते हैं, तो वह काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं, तो वह स्लो मोशन कहलाता है। बटरफ्लाई जो है सो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, तो उसका भी मोशन थोड़ा सा फास्ट होता है स्नेल के कंपेरिजन में। उसके अलावा नदियां बहती है, एरोप्लेन जो है सो आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, मून गोइंग अराउंड द अर्थ, मून जो है सो पृथ्वी के चारों घूमता है, एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, हमारे शरीर में जो है सो खून जो है सो दौड़ते रहता है, वह भी मोशन कर रहा है। सो दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है सो मोशन होते रहते हैं और हो रहे हैं। एंड मेनी मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।